नमस्कार दोस्तों, द धर्म और न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज आपको मैं बताने जाने वाला हूँ एक नए से वेबिनार के बारे में। ये वेबिनार आपको उपायों के बारे में बताएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जो भी परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को लेकर के वो लोग क्या करते रहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, या तो किसी न किसी ऑकल्ट मास्टर के पास वो जा रहे हैं ताकि उनको कोई ना कोई रिजोल्यूशन मिल जाए, या फिर वो गूगल पे जाते हैं, कहीं बुक्स में जाते हैं, कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ उपाय पढ़ लेते हैं। तो उपाय तो आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन क्या वो उपाय आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उपाय करने के तरीके कितने हैं, उपाय कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, और उपाय को धारण कब करना है, उपाय में किसी चीज़ को धारण कब करना है, उसका ध्यान कब करना है, उन चीज़ों से दूर कब रहना है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। और कई बार जाने अनजाने में हम लोगों से क्या गलतियाँ हो जाती हैं, हम कहीं ना कहीं से उपाय ढूंढ तो लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन उन उपायों के उल्टे प्रभाव हमारी लाइफ में हो जाते हैं। कई बार हमें किसी चीज़ को मजबूत करना होता है लेकिन हम उसको कमज़ोर कर रहे होते हैं, या फिर कई बार आप सारे उपाय सही कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, फिर भी उन उपायों का आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है ना। ये क्या गलत है, इसी को हम ये वाले वेबिनार में कवर करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है, जिसकी भी लाइफ में तकलीफें हैं सबकी लाइफ में हैं। आप जब भी किसी के पास में जाते हैं तो आप सबसे पहले ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि सामने वाला आपको कुछ उपाय बता देगा। तो उपाय की तो सबको ज़रूरत है, तो चाहे आप ऑकल्ट में हैं नहीं हैं, आप कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, फिर भी ये सेशन तो ज़रूर अटेंड करिएगा, क्योंकि इस सेशन में एक तो उपाय तो आप जान ही जाओगे और वो उपाय अपनी लाइफ में भी आप काम कर पाओगे, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। और अगर कुछ उपाय आप ऑलरेडी कर रहे हो और वहाँ पे कुछ गलती हो रही है तो उसका आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत हो, ये क्यों नहीं करना है। तो शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इसको सीखेंगे, और सीख करके ऑकल्ट बोले आपको आता हो ना आता हो, बट कुछ तो नई चीज़ें, कुछ एकदम अद्भुत नई डिटेल्ड चीज़ें आप सीख जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। धर्म न्यूमरोलॉजी में इस फैमिली वाले ग्रुप में बने रहने के लिए शुक्रिया। आप सबका दिन मंगलमय हो।